आखिर क्या कारण था बिना लाइसेंस के इस मशीन को आपने अस्पतालों में लगने दिया और उसके बाद बाकी राज्य सरकारें उसको खरीद रही हैं, आपने उनको भी नहीं बताना उचित समझा कि यह एम्बू बैग है, इट इज नॉट अ वेंटिलेटर, और एक व्यक्ति पर आपने उसकी जांच की और उसको आपने अस्पतालों में लगा दिया। जब स्वास्थ्य और जान की बात आती है तो ड्रग्स और मशीन्स की बहुत पुख्ता जांच होती है, कई मरीजों पर उनको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनका सार्वजनिक उपयोग होता है। मजबूरी क्या रही रूपानी जी आपकी कि आपने आनंद फानंद में तारीफ भी कर डाली, पीठ भी थपथपा डाली, और जडेजा जी स्वयं बताते हैं कि आप उन्हें रोज फोन करके जोश दिलाते थे कि बहुत अच्छा काम है करिए, क्या मजबूरी रही थी आपकी? अब प्रश्न, अभी किसी प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं, सिर्फ बचाव में जयंती रवि जरूर आई। इस दौरान एक वेबसाइट ने एक और स्टोरी की जिसमें यह मालूम पड़ा कि ज्योति सीएनसी नामक जो कंपनी है जिसके सीएमडी हैं पराक्रम सिंह जडेजा, उस कंपनी के प्रमुख हिस्सेदारों में सूरत की वीरानी परिवार है। सूरत का वीरानी परिवार है, रामेश्वर भाई वीरानी हैं, स्मिथ वीरानी हैं, ये कौन है? स्मिथ रामेश्वर भाई वीरानी उस वीरानी परिवार के सदस्य हैं जिस वीरानी परिवार ने नरेंद्र मोदी जी को 10 लाख का वो बहुचर्चित प्रचलित बदनाम सूट दिया था जिसमें उनका नाम लिखा था, अगर आपको याद हो। ये सब बातें कल उजागर हुई तो प्रश्न और बढ़ गए और इशारों में उत्तर हमें थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। लेकिन जहां लोगों के जान पर बनाई हो, जहां भय अविश्वास का माहौल हो, वहां हमें उत्तर चाहिए, ठोस उत्तर चाहिए, सरकार से उत्तर चाहिए, उन सत्ताधीशों से उत्तर चाहिए जो सत्ता में बैठकर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। आज सब जगह अनिश्चितता है, लेकिन जो गुजरात के लोगों के दिमाग में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि रूपानी जी की क्या मजबूरी थी, क्या ये मजबूरी इस सूची में है जिसमें ज्योति सीएनसी के शेयर होल्डर्स के नाम है, सबसे प्रमुख नाम एकनाथ इंफ्राकॉन जो कि वीरानी परिवार की कंपनी है, एकनाथ इंफ्राकॉन के पास इसके 74,02,750 शेयर है, स्मिथ रमेश भाई वीरानी के पास इसके 60,08,000 शेयर्स हैं, और स्वयं पराक्रम सिंह जडेजा जी ने यह स्वीकार किया कि ज्योति सीएनसी में वीरानी परिवार का 46% से भी ऊपर हिस्सा है। ये फाइलिंग्स हैं जो 2019 मार्च 2019 की ये फाइलिंग्स हैं, 31 मार्च 2019 की, जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है वीरानी परिवार का ज्योति सीएनसी में क्या हिस्सा है। ये वही वीरानी परिवार है जब ये सूट बूट की बात हुई थी, जब नरेंद्र मोदी जी ने ओबामा साहब के समक्ष अपना वो सूट पहना जो 10 लाख का था, जिसको उनका नाम लिखा हुआ था, तब वीरानी साहब ने कहा था वो तो मेरे बड़े भाई के समान हैं नरेंद्र मोदी जी, मैंने उनको प्रेमवश ये सूट तोहफे में दिया था। फिर उसके बाद का इतिहास सबको मालूम है कि कैसे उसको आनंद फानंद में उसका नीलामी की गई और जो भी हुआ वो आपको मालूम है। लेकिन आज प्रश्न बहुत गंभीर है कि ये सूट बूट के वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर भी नहीं है, आप क्यों थोप रहे हैं जनता पर गुजरात की, क्यों जनता की इसके स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ आपके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और क्यों आज तक सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री या अफसर सामने आकर बोल नहीं पा रहा कि हाँ ये एम्बू बैग्स हैं, मैकेनाइज एम्बू बैग्स हैं, हाँ ये वेंटिलेटर नहीं है, और अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग लेनी चाहिए जनता से कि के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न।